हे दोस्तों, जैक स्टब एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने करियर में एक मल्टी मिलियन डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट करा था। वो काफी ग्रेट लाइफ जी रहे थे, बट फिर 54 इयर्स की एज में उन्हें सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। उनके 20 से ज्यादा जॉइंट्स में सूजन हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। दर्द इतना था कि उन्हें हिलने तक नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज तो दूर की बात है, उन्हें डॉक्टर्स ने चलने के लिए भी फिर बस व्हीलचेयर हमेशा यूज करने बोल दिया था। बट फिर भी जैक ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं थे। प्लस उनके पास इससे लड़ने के लिए एक प्लान भी था। प्लान था एक जापानीज मेथड यूज करने का जिसे बोलते हैं द काइजन। जिस सेम मेथड की हेल्प से ही उन्होंने अपने बिजनेस को भी इतना सक्सेसफुल बनाया था। नाउ इस मेथड में वो क्या करते थे कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते थे और फिर अपने आप को रिवॉर्ड्स देते थे गोल्स अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, जब सुबह सुबह वो दर्द में उठते तो वो बोलते कि अभी के लिए मुझे बस इस बेड से उठना है बिना किसी की हेल्प लिए और बस यही मेरा गोल है। और फिर जब हिम्मत करके वो खुद से उठते तो फिर वो अपने आप को रिवॉर्ड देते ये बोल के कि अरे वाह जैक, तूने तो कमाल कर दिया, गुड वर्क। इसके आगे ऐसे ही फिर उन्होंने गोल रखा कि अब वो एटलीस्ट नियर बाय जिम तक जाएंगे पैदल। जिम करेंगे नहीं, बट एटलीस्ट वहां जाके स्टाफ से बात करेंगे। फिर धीरे धीरे ये भी अचीव कर लेने के बाद उन्होंने जिम के ट्रेडमिल पे बस 2 मिनट चलना स्टार्ट किया, फिर और फिर और। ऐसे ही हमेशा वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए पुश करते थे और फिर अपने आप को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी देते थे या कुछ दूसरे रिवॉर्ड्स देते थे, जिसका रिजल्ट कुछ साल के अंदर ही उन्होंने बस डॉक्टर्स की ही बात को गलत साबित नहीं करा रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाला इंसान बनके, बल्कि उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड का भी टाइटल जीता अपने एज के बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में। और ये सारी इम्पॉसिबल सी चीज पॉसिबल हुई उसी सिंपल मेथड की हेल्प से। देखो दोस्तों, काइजन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो बस एक इंसान को उसके गोल को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि एक पूरे देश को एक सुपर पावर नेशन बनाने में भी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल, हिरोशिमा नागासाकी जैसे न्यूक्लियर अटैक्स के बाद और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से माना जाता था कि जापान दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक बनकर रह जाएगा। लेकिन आज जापान दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों में से एक है, बिकॉज जापान वाले अपने इस काइजन मेथड को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, जो कमाल की बात है। और अगर आप भी इस मेथड को यूज करोगे तो आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काइजन का यूज अलग अलग फील्ड्स में होता है और कैसे आप भी इस अमेजिंग मेथड को अपनी हैबिट बना के इस सिंपल सी हैबिट से अपने बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। काइजन इन स्किल्स। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो एक्चुअली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप भी बन चुका है विद मोर देन 30 करोड़ डाउनलोड्स। नाउ ऐप इतना हिट है बिकॉज डुओलिंगो से आप कोई भी लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हो, फिर चाहे वो करियर को बूस्ट देने के लिए इंग्लिश सीखना हो या और किसी रीजन की वजह से स्पैनिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज या कोई भी पॉपुलर लैंग्वेज, सब आप इजीली इस ऐप से सीख सकते हो। और ये ऐप आज सबको इतने अच्छे से लैंग्वेज सिखा पा रहा है बिकॉज ये ऐप भी कहीं ना कहीं काइजन मेथड का यूज करता है। एग्जाम्पल, समझो आपको इंग्लिश सीखनी है। नाउ इंग्लिश में हजारों चीजें होती है और अगर आप बस ये सोचोगे कि मुझे पूरी तरीके से इंग्लिश सीखनी है तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी और मुश्किल हो सकती है। वैसे ही जैसे जैक के लिए आर्थराइटिस होने के बाद जिम जाके डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करना जो नियरली इम्पॉसिबल था, इसीलिए डुओलिंगो क्या करता है कि स्टार्ट में वो आपसे पूछता है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो आपको सीखनी है वो आपको किस लिए सीखनी है, लाइक जॉब्स के लिए या नॉर्मल बात करने के लिए, एग्जाम्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे आप अपने बड़े से गोल को छोटे गोल में तोड़ देते हो जो अचीव करना फिर बहुत ईजी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है जॉब्स के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, सो वो आपके लिए वही गोल सेट करेगा, आपको स्पेशली वो स्पेसिफिक चीजें सिखाएगा जो आपको सीखनी जरूरी है जॉब्स के लिए। नाउ ये सिंपल सी गोल सेटिंग टेक्निक एक्चुअली बहुत पावरफुल होती है, जो मैंने आपको द फर्स्ट 20 आवर बुक की समरी में भी बताया था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे अगर आपको कोई भी स्किल 20 घंटे के प्रैक्टिस में सीखनी है तो आपको उस स्किल्स, उस काम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन चीजों को अपना गोल्स बनाना होगा और वही सीखना चाहिए। बिकॉज 80-20 प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि 80% रिजल्ट्स बस आपको 20% मेहनत से मिलते हैं। और जब आप ऐसे ही स्पेसिफिक शॉर्ट गोल सेट करते हो, उन पे ही काम करते हो, तो आप वही 20% मेहनत करते हो जो एक्चुअली आपके गोल्स के हिसाब से आपको 80% रिजल्ट्स दे सकता है। इसके बाद डुओलिंगो अगेन काइजन मेथड यूज करता है जब वो डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, जब वो आपको एक दिन में कई घंटे प्रैक्टिस करने के बजाय बस एक दिन में 5 से 10 मिनट के गोल सेट करवाता है आपके लिए, जिससे हर दिन बस आप 10 मिनट देके एक छोटी सी डेली हैबिट बना के कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो बिना ज्यादा टाइम निकाले या स्ट्रेस लिए। बोला जाता है कि कोई भी हैबिट फॉर्म होने के लिए आपको कम से कम उस चीज को एटलीस्ट 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए, तभी वो आदत बन सकती है, जो चीज के लिए अगेन इस ऐप में एक डेली स्ट्रीक का फीचर दिया हुआ है, जिससे आप 21 डे स्ट्रीक अचीव करने का गोल सेट कर सकते हो अपने लिए।
जो अगेन काफी काइजन और की होगा हैबिट बिल्डिंग में। यही सब रीजन की वजह से इवन आई पर्सनली थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फ्री ऐप है इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। इवन मैं भी इसका यूज कर रहा हूँ जापानीज सीखने के लिए, बिकॉज मुझे एनीमे बहुत पसंद है। प्लस इसकी एक और अच्छी बात यह है कि फ्री होने के बाद भी इसके अंदर एड्स नहीं आते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो आप भी ये चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। काइजन इन बिजनेस। रॉबर्ट मॉरर ने एक एड देखा लेक्सस गाड़ी का, जो देखने के बाद वो ये सोचने लगे कि कैसे ये जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतना हाई क्वालिटी कार बना पाता है जिसके लिए उसे हर साल बड़े बड़े क्वालिटी अवार्ड्स भी मिलते हैं। वेल, इसके आंसर के लिए उन्होंने रिसर्च करी जिसने उन्हें 1940 में ला छोड़ा। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के कुछ दिन बाद ही एक अमेरिकन एडवर्ड डेमिंग जापान आए जापान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वापस रिबिल्ड करने के लिए। नाउ एडवर्ड एक बहुत नॉलेजेबल और समझदार इंसान थे, जिनकी वजह से ही अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इतनी ग्रेट बन पाई थी वर्ल्ड वॉर टू में। इसीलिए जापानीज लोग उनकी बात सुनने के लिए काफी सीरियस थे। नाउ एडवर्ड ने आने के बाद जापानीज लोगों को एक सिंपल बात बोली। उन्होंने कहा, अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड बनानी है तो बस एक क्वेश्चन अपने आप से रोज पूछो और उस पे ही रोज फोकस करो। क्वेश्चन यह है कि व्हाट एक्सट्रीमली स्मॉल स्टेप आई कैन टेक टू इम्प्रूव माय प्रोडक्ट और प्रोसेस। नाउ बस ये एक चीज जापानीज ने फॉलो करना स्टार्ट करी पूरे दिल से, जिसे उन्होंने नाम दिया काइजन का। और फिर हर बिजनेस, हर टेक्नोलॉजी में उन्होंने यही काइजन को अप्लाई करा, जिसका रिजल्ट आज आप देख ही सकते हो। जापान आज एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। हैंस अगर आप भी अपने बिजनेस या सर्विस को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हो, तो रोज अपने आप से ये छोटा सा क्वेश्चन पूछो कि आज मैं क्या एक एक्सट्रीमली स्मॉल चीज कर सकता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव कर सकता है। काइजन फॉर हेल्थ। जूलिया दो बच्चों की माँ थी जिनके हस्बैंड ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। उनकी हेल्थ जरा भी ठीक नहीं चल रही थी, उन्हें डिप्रेशन था, हाई ब्लड प्रेशर, फैटीग भी थी। इसके साथ साथ वो और कई सीरियस बीमारियों की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए फिर वो ऑथर के पास आई, जो एक साइकोथेरेपिस्ट भी थे। ना जूलिया जब ऑथर से मिली तो ऑथर को उनपे बहुत तरस आया, उनकी हालत देख के, उनकी हेल्थ देख के, उनकी ना उम्मीदी देख के। बिकॉज जूलिया कई लोगों के पास गई थी और सब उन्हें यही सलाह देते थे कि उन्हें हेल्दी डाइट खाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए कम से कम आधे घंटे, जो सब सुन सुन के वो थक गई थी क्योंकि वो उसे कभी फॉलो नहीं कर पाती थी। बच्चों की वजह से उन्हें इसके लिए कभी टाइम नहीं मिल पाता था, कभी मोटिवेशन नहीं आता था कि वो ये रोज कर पाए। ना ऑथर को पता था कि अभी वो जूलिया को नॉर्मल सेम एडवाइस देंगे तो वो काम नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने क्या करा कि जूलिया को आधे घंटे रोज वर्कआउट या डाइट करने के बजाय बोला कि तुम रोज रात में जब टीवी देखती हो, तब जब भी कमर्शियल एड्स आते हैं, तब आप रोज एटलीस्ट एक मिनट जोर से चलना स्टार्ट कर दो, अपने ही घर में यहाँ वहां चलो और तेज चलो। नाउ यूजुअली जूलिया डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद ना उम्मीद हो जाती थी, लेकिन ये सिंपल चीज सुनने के बाद वो एक्साइटेड हो गई, बिकॉज ये बहुत ईजी था, इसलिए वो रेडी भी हो गई ये ट्राई करने के लिए। नाउ इसके बाद पूरे महीने भर उन्होंने यही ट्राई करा। वो रोज दिन में एटलीस्ट एक मिनट जोर से यहाँ वहां चलती थी। अब ऑब्वियसली छोटी सी चीज से वो पतली या हेल्दी नहीं होने वाली थी, जो डॉक्टर को और इवन जूलिया को पता था, बट ये ग्रेट स्टार्ट था, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आई तो वो मोटिवेटेड थी कि अब एक मिनट मुझे क्या करना है बताओ, बिकॉज अब उनका जो वर्कआउट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया था, जिसके बाद फिर वो बस एक एक मिनट न्यू चीजें करके एक रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाली हेल्दी औरत बन गई, जो हेल्दी थी और खुश भी। यूज दिस टू अप्लाई काइजन। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो कि अपने दोस्त से जब आप नेक्स्ट टाइम मिलो तो उससे पूछना कि आज उसने सुबह सुबह सबसे पहले इंटरनेट पे क्या चीज देखी, कौन सा वीडियो देखा। वेल मोस्टली शायद उसको ये याद नहीं रहेगा कि उसने पहला वीडियो कौन सा देखा था, बट फिर इसके बाद दूसरे दिन आप वापस से उससे वही सेम क्वेश्चन पूछो, शायद इस बार भी उसे याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज ऐसे ही पूछोगे, वो दोस्त जब सुबह वीडियो देखेगा तो वो नोटिस करेगा कि उसने कौन सा वीडियो पहले देखा, ताकि आपको वो इस स्टूपिड क्वेश्चन का आंसर आके दे सके। अब देखो दोस्तों, हमारा ब्रेन ऐसा करता है और करेगा बिकॉज उसे क्वेश्चंस बहुत पसंद है, स्पेशली कोई क्वेश्चन जो रिपीटेड टाइम हमारे सामने आता है, तो फिर हमारा ब्रेन उसके आंसर सर्च करने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर वो कर भी लेता है उसका आंसर। नाउ ये फैक्ट का आप यूज कर सकते हो काइजन को अप्लाई करने के लिए अपनी लाइफ में। जिस भी फील्ड में आप ग्रेट काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, लेकिन वो क्वेश्चन स्मॉल होने चाहिए। एग्जांपल, माइकल डाजे जो एक अवार्ड विनिंग ऑथर है, उन्होंने जब अपनी फेमस बुक द इंग्लिश पेटेंट लिखी थी, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अभी वो एक अमेजिंग बुक लिखेंगे। नहीं, बल्कि ये बुक लिखने के लिए उन्होंने अपने आप से बस क्वेश्चंस पूछे, काफी छोटे छोटे, लाइक वो कैसे अपने बुक के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना सकते हैं। अगर वो कोई सीन का सोचते, लाइक प्लेन क्रैश का सीन, तो फिर वो सोचते कि ये सीन में कैरेक्टर कौन होगा जो प्लेन चलाएगा, और वो वहां क्यों होगा, क्यों वो प्लेन क्रैश होगी। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर्स करके उन्होंने एक सीन बनाया और कई सारे सीन्स बनाए और पूरी एक बुक रेडी कर दी, जिसने अवार्ड भी जीता।
सिमिलरली आप भी स्मॉल क्वेश्चंस यूज करो काइजन को अप्लाई करने के लिए अपने कामों में. यूज स्मॉल रिवॉर्ड्स टू अप्लाई काइजन. नाउ क्वेश्चंस के साथ जो एक और बहुत अच्छा तरीका है काइजन को अप्लाई करने का वो है बाय गिविंग योरसेल्फ कंटिन्यूअस स्मॉल रिवॉर्ड्स. स्टार्ट में बताए स्टोरी में जैक सीवियर अर्थराइटिस के बाद भी मिस्टर वर्ल्ड बने बॉडी बिल्डिंग में बिकॉज वो एक्शंस लेने के लिए स्मॉल स्मॉल रिवॉर्ड्स का यूज करते थे. लाइक छोटी चीज अचीव करने के बाद खुद को कॉम्प्लीमेंट्स देना कि अरे वाह जैक क्या कमाल कर दिया तूने, या फिर जिम तक जाके लोगों से इंटरेक्ट करना, या ऐसे ही दूसरे छोटे ट्रीट्स. ये सारी चीजें रिवॉर्ड्स जैसी थी जिसने जैक को आदत लगा दी एक्शंस लेने के लिए इवन पेन में भी. सिमिलरली अभी मैंने कुछ टाइम से डुओलिंगो ऐप का भी यूज करा है तो उसमें भी मैंने ये सेम चीज को नोटिस करा और इसीलिए आई थिंक वो आज इतना सक्सेसफुल ऐप भी बन रहा है बिकॉज वो गेम्स की तरह बनाया गया है जहां जब भी आप छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करते हो तो आपको सेंस ऑफ प्रोग्रेस दिखाई जाती है अचीवमेंट्स अनलॉक करके, लेवल्स अनलॉक करके और आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाके. इवन आपको रेगुलर पॉइंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और भी कई चीजें वो ऐप में होती है जो सारी चीजें सच में लैंग्वेज सीखने को सच बहुत मजेदार एक्सपीरियंस बना देती है. आप वो यूज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हैबिट्स फॉर्म करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए और गोल्स को अचीव कराने में हेल्प करने के लिए उन्होंने रिवॉर्ड्स का यूज करा है. अगर आप चेकआउट करके उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा. प्लस कोई भी लैंग्वेज सीखो या इंग्लिश इंप्रूव करो, ये सब आपको काफी काम आएगा इस ग्लोबलाइजेशन की एज में, इंटरनेट की एज में जहां पूरी दुनिया कनेक्टेड है. फ्लुएंट इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज सीखना आज के टाइम पे काफी अच्छी स्किल हो सकती है जो जॉब्स मिलने में आपको हेल्प करेगी, इंडिया में इवन बाहर की जॉब्स मिलने में हेल्प करेगी, करियर बनाने में हेल्प करेगी, बिजनेस करने में हेल्प करेगी. सो इसलिए कोई भी लैंग्वेज सीख लो. इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. नाउ अभी के लिए बस इतना ही. ये बातें मैंने आपको वन स्मॉल स्टेप टू चेंज योर लाइफ बाय रॉबर्ट मॉरर इस बुक से बताई है. अगर ये वीडियो आपको जरा भी काम का लगा है तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना. और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल पेज पे काफी ज्यादा एक्टिव हूं जो है आई एम सीकन का पेज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ताकि मैक्सिमम लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जिससे हम सबकी सोच इंप्रूव होगी और हम सबकी लाइफ भी. और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने. नाउ फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग.